दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा इस आइसोलेटर चेंजओवर के बारे में। इसके अंदर हम दो पावर सोर्स के थ्रू सप्लाई दे देते हैं और इस आइसोलेटर के थ्रू अपना दोनों सप्लाई को एक जगह हम लेकर के जा सकते हैं। जैसे इस आइसोलेटर के ऊपर से देखेंगे, हमने एमसीबी लगा रखी है, उसके बाद आरसीसीबी और फिर सिंगल पोल का एमसीबी। पहले मैं थोड़ा सा आपको एनिमेशन से समझा देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सारे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने दो पावर सोर्स दिखाए हैं। एक तरफ मेरा जनरेटर है और दूसरी तरफ जो हमारा घर में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, वो दिखाया है मैंने। दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर की तरफ से फेज वायर को आउट करेंगे और इसको चेंज ओवर के दो नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। पहले मैं आपको इस चेंज ओवर को दिखा देता हूँ, जिसमें आप कनेक्शन समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन से सिखाऊंगा। दोस्तों, इस आइसोलेटर को सीएनसी कंपनी ने बनाया है, जिसका मॉडल नंबर आप दे सकते हैं 22CBZ63। इस आइसोलेटर के अंदर आपको नीचे चार पॉइंट देखने को मिलेंगे, दो नंबर चार नंबर इसमें फेज के पॉइंट हैं, ये दो नंबर है और ये चार नंबर है, और इधर 6 नंबर 8 नंबर न्यूट्रल के पॉइंट हैं, जो 6 नंबर ये है और 8 नंबर ये है। ऊपर आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं, 1 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर से हम फेज को आउट करेंगे और जो 5 नंबर है यहाँ से हम न्यूट्रल को आउट करेंगे। मैं आइसोलेटर इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके स्विच की तरह काम करेगा, ये आपका एमसीबी की तरह काम नहीं करेगा। एमसीबी के अंदर आप देखेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऐसे प्रोटेक्शन आपको इस आइसोलेटर के अंदर नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपका स्विच की तरह ऑन या ऑफ करने का काम करेगा। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अपना ट्रांसफॉर्मर की तरफ से न्यूट्रल वायर को आउट करेंगे और जो हमारा चेंज ओवर है इसके 6 नंबर पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही जो हमारा जनरेटर है दूसरी साइड में, यहाँ से भी फेज वायर को उठाएंगे और 4 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अब जो जनरेटर है उसकी साइड से न्यूट्रल वायर को आउट करके चेंज ओवर के 8 नंबर पॉइंट में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इस आइसोलेटर चेंज ओवर के बाद अपना एक एमसीबी लगाऊंगा और एमसीबी के बाद अपना आरसीसीबी कनेक्ट करूंगा। आरसीसीबी के बाद एक सिंगल पोल का एमसीबी लगा दूंगा। अगर मेरे पास दो कवरे हैं तो मैं दो सिंगल पोल का एमसीबी लगा दूंगा और तीसरा जो सिंगल पोल का एमसीबी रहेगा वो दोनों कवरों के अंदर जो पावर सॉकेट होते हैं उनके लिए लगाएंगे। ऐसे करके हमने अपना ऊपर डिवाइस को इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों, इस एमसीबी बॉक्स के अंदर भी अपना सारा डिवाइस फिट कर लेता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन सिखाऊंगा। अगर आप चाहो तो इस आइसोलेटर की जगह आप सिंगल पोल का भी आइसोलेटर यूज कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सारी डिवाइस को मैंने बॉक्स के अंदर फिट कर लिया है। अब आपको कनेक्शन समझाता हूँ। जो हमारा आइसोलेटर का ऊपर 1 नंबर पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई आउट करके जो एमसीबी लगी है इसी के ऊपर वाले किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो 5 नंबर पॉइंट है, यहाँ से न्यूट्रल वायर को आउट करेंगे और एमसीबी के पास वाला जो न्यूट्रल है इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो आरसीसीबी का नीचे वाला पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि हमने एमसीबी के ऊपर सप्लाई दी है और आरसीसीबी में हमने नीचे से सप्लाई दी है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिस एमसीबी पर लिखा हुआ हो कि सप्लाई आपको नीचे से देनी है, लोड आपको ऊपर से कनेक्ट करना है, सप्लाई नीचे से देनी है, तब तो आप नीचे से लगाओगे। अगर नहीं लिखा कहीं भी तो आप चाहे तो ऊपर से सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो आप नीचे से कनेक्ट कर सकते हो। अब जो एडवांस एमसीबी आ रही हैं उनके अंदर आपको चाहे ऊपर से सप्लाई दे दो चाहे नीचे से दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही जो हमारा आरसीसीबी है इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ भी कहीं लोड और सप्लाई नहीं लिखा हुआ, तो इसमें भी चाहे आप ऊपर से कनेक्ट कर दो चाहे नीचे से कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ एल लिखा हुआ है और ऊपर देखोगे तो यहाँ भी एल लिखा हुआ है, तो इधर हमें लोड लगाना है, मतलब फेज वाला वायर देना है, और इधर आप देखेंगे एन लिखा हुआ है तो यहाँ हमको न्यूट्रल वाला तार कनेक्ट करना है, और इस साइड में भी आप देखेंगे एन लिखा है तो यहाँ हमको न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट करना है। दोस्तों, आरसीसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी लगा हुआ है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वाली जो सिंगल पोल की एमसीबी हैं इनके अंदर इसी वायर से एक एक लूप लगा देंगे।
आरसीसीबी के ऊपर वाले न्यूट्रल वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, और जो हमारा न्यूट्रल स्ट्रिप लगी हुई है उसके अंदर न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। अब जिस भी रूम के अंदर हमको सप्लाई लेकर के जानी है वो न्यूट्रल स्ट्रिप और सिंगल बोल की एमसीबी से लेकर के जाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे पास दो पावर सोर्स हैं, एक मेरा डीजी की सप्लाई है और एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। तो इन चारों तारों को अपना बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, और जो मेरा ब्रेकर है इसको अभी थोड़ा सा उठा लेता हूँ, मैं अलग निकाल लेता हूँ जिससे प्रॉपर तरीके से आप समझ पाओगे। एक सप्लाई का जो पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी डीसी में बोला जाता है, यहाँ हम फेज बोलेंगे, फेज वायर को हम 2 नंबर पर इंसर्ट कर देंगे, और न्यूट्रल वायर को हम 6 नंबर पॉइंट पर इंसर्ट करेंगे दोनों नीचे की तरफ। तो दूसरा जो पावर सोर्स है मेरा, इसका न्यूट्रल मैं 8 नंबर पर इंसर्ट करूंगा और 4 नंबर पर फेज वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब अपना एमसीबी से फेज वायर आउट करके अपना लोड के लिए ले जाएंगे, और यहाँ से हम अपना एक न्यूट्रल आउट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में मैं अभी यहाँ पर एक बल्ब लगा लेता हूँ। दोस्तों हमने कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर लिए हैं, अभी हमारा आइसोलेटर ऊपर की तरफ है, अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो लोड हमारा चालू हो जाएगा। मान लीजिए लाइट चली गई तो हमारा डीजी हमने ऑन कर दिया और आइसोलेटर को ऊपर की तरफ कर देते हैं, लोड फिर से चालू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।